साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको जूते के जरिए आप अपनी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों पैर जो होते हैं हमारे, ठीक है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या जो भी हमारे ऑरा में आता है, तो वो सब हम पैरों के जरिए ही, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हम ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं, पैरों के जरिए ही करते हैं। ये काफी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो काफी लोग क्या करते हैं, कुछ टोने टोटके नींबू वगैरह फेंक देते हैं बाहर, या कुछ ऐसी चीजें हम पैर के नीचे हमारे आ जाती हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं, इससे मतलब है दोस्तों कि काफी लोग अपनी नजर दोष वगैरह ये अपना उतारा करके बाहर फेंकते हैं। हम लोग गाड़ी से चलते हैं तो उसमें टच कर देते हैं, तो वो सब चीजें हमारे क्या ऑरा में आ जाती हैं। और जब हमारे ऑरा में आ जाती हैं, हम घर में प्रवेश करते हैं, तो वही चीजें हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। ये जो शक्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये जगह देखती हैं, किसी का स्पर्श सोचती हैं। जब ये फेंक दी जाती हैं तो ये स्पर्श चाहती हैं, और जो भी व्यक्ति इनको स्पर्श कर देता है तो ये क्या करती है, उन्हीं के घर में प्रवेश कर जाती है, है ना। तो घर में फिर क्या होती है, कलह होने लगती है, धन की बरकत खत्म हो जाती है, हर कार्य में बाधाएं आने लगती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोई भी काम करेंगे तो वो काम बनता काम बिगड़ने लगता है। तो मैं आपको आपके जूतों के जरिए, मतलब कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो आप नकारात्मक ऊर्जाओं को नकारात्मक तरीके से ही काट सकते हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी आपकी मनोकामना, वो पूरी हो जाएगी और परेशानी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कुछ खास छोटे छोटे से टोटके और साथ में एक विशेष उपाय आपको बताऊंगा, जो आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके ऊपर शनिदेव की कोई दशा चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रही है, जॉब नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको उस प्रयोग को क्या करना है, आपका जो पुराना जूता होगा अगर हो सके तो चमड़े का लें और काला जूता लें, ठीक है। और शनिवार से शनिवार यानी 8 शनिवार तक लगातार आप उसको पहने, आप उसको यूज करें। जो फेंकने वाले जूते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपने 8 शनिवार तक उसको यूज किया हो तो उसको आप अभी भी यूज कर सकते हैं, तुरंत भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको फेंकने वाला जूता हो, लेकिन ये याद रहे कि 8 शनिवार आपने कंटिन्यू पहना हो उसको। अगर नहीं पहना है तो 8 शनिवार तक कंटिन्यू, और दिन पहने ना पहने, लेकिन शनिवार शनिवार 8 शनिवार जूतों को आपको यूज करना है। और 8वें शनिवार को आपको क्या करना है, इन जूतों को लेकर के जाना है किसी भी शनि मंदिर। अगर शनि मंदिर नहीं है तो किसी भी भगवान के मंदिर चले जाएं, जहां पर शनिदेव की मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ भी हो, है ना, मतलब शनि भगवान होना चाहिए, और इनको पहन करके जाएं मंदिर थोड़े से शनिवार के दिन ही, 8वें शनिवार के दिन। और उसमें साथ में ले जाएं थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल। अगर शनि महाराज का मंदिर है, मूर्ति है, तो उनमें थोड़ा सा शनिदेव को तिल चढ़ा दें और सरसों का तेल चढ़ा दें। और आपकी जो मनोकामना है या जो आपकी परेशानी है, बहुत टाइम से परेशानी चल रही है, कोई काम है जो आपका रुका हुआ है, कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित हो सकता है, जॉब संबंधित हो सकता है, बिजनेस संबंधित हो सकता है, एग्जाम संबंधित हो सकता है, या शादी विवाह संबंधित कोई भी आपकी परेशानी है, वहां जाकर विनती कर लें। और ये तिल अगर शनिदेव का मंदिर बाई चांस अगर नहीं मिल पा रहा है तो पीपल वृक्ष भी देख सकते हैं, पीपल वृक्ष में चढ़ा सकते हैं, और वह मनोकामना बोल के, अपनी परेशानी बोल करके। और आपको जूते चप्पल, जूते पहने या चप्पल पहने उनको वहीं छोड़ करके आपको बिना पीछे पलटे और सीधे घर वापस आ जाना है। जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी हो जाएगी, या जो भी आपकी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। बस 8 शनिवार पहन करके इस जूते चप्पल का प्रयोग आप कर लीजिए। अब दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वशीकरण का। अगर कोई आपका व्यक्ति ऐसा है जिससे आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सपोज वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता है, आपको इग्नोर करता है, आपको सुनता नहीं है, तो इसके लिए इस प्रयोग को आप शनिवार के दिन करें, ठीक है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन में आपको सुबह में एक रेड पेन से आपको एक सफेद कागज पे उस व्यक्ति का आपको नाम लिख लेना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद में आपको शनिवार के दिन ही लिखेंगे आप, और एक छोटी सी पर्ची में इसको पन्नी में बांध करके, कोई पॉलिथीन छोटी सी, और इसको अपने जो सूज होगा उसमें डाल दें, इसको शनिवार से शनिवार तक उसमें डले रहने दें 1 हफ्ते तक। अब दूसरे शनिवार को क्या करें, दोस्तों शनिवार से शनिवार में 21 दिन तक डले रहने दें। आप इसको जब शनिवार को लिख लेंगे तो 21 दिन तक आप इसको पैर के नीचे डले रहेंगे, और यूज करना है आपको 21 दिन कंटिन्यू। याद रहे कि आप उसी सूज में डालेंगे जिसे आप कंटिन्यू 21 डेज तक यूज करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि ये रेमेडी आपको बता रहा हूं तो किसी का बुरा करने के लिए आप नहीं करेंगे, नहीं तो ये बैकफायर भी कर सकता है। किसी का बुरा करने के लिए करेंगे तो आपको उसका उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप सही के लिए कर रहे हैं
आपको सच में उसकी जरूरत है इस प्रयोग की, तभी इस प्रयोग को आप करेंगे। किसी को बुरा करने के लिए बिल्कुल भी इस प्रयोग को ना करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका नाम लिख करके 21 दिन तक कंटिन्यू उसको आपको पहनना है, और 21वें दिन आपको क्या करना है, उस चिट को निकाल करके आपको जाना है कहीं दूर अपने घर से, कोई ऐसा लीगल प्लेस देख लें जहां पर कोई आता जाता ना हो, ठीक है। और इस चिट को निकाल करके जमीन के नीचे दबा दें, और थोड़ा सा रेड वाला जो सिंदूर आता है, कुमकुम कहा जाता है, वो इसके ऊपर छिड़क दें, और उसके बाद में आप बोल दें कि जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूं, जैसे मैं तुम्हें सुनता हूं, वैसे तुम भी आज से मेरी बात सुनोगे, मेरी हर बात मानोगे, मेरे को इंपॉर्टेंस दोगे, जो भी आप अपने तरह से बोलना चाहते हैं वो आप उसमें बोल दें, और वहां से वापस आ जाएं, पीछे पलट करके ना देखें। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है आपके अनुकूल हो जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा, जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। आप कोई दुश्मन से परेशान है, आप कोई शत्रु है आपका जो आपको बिना वजह परेशान करता रहता है, तो इसके लिए आप इस प्रयोग को करें। आपको क्या करना है, आपने ब्लैक पेन से शनिवार के दिन में ब्लैक पेन लेना है, और ब्लैक पेन से आपको अपने जूते के नीचे उसका नाम लिख देना है, उसका पूरा नाम लिख दें, और 7 दिन तक यानी कि शनिवार से शनिवार तक उसी शूज को आप पहने रहें, पहनते रहे 7 दिन तक, और 7 शनिवार के दिन आप क्या करें, जब पहले शनिवार को आप नाम लिख लेंगे, शनिवार से शनिवार तक आप जो यूज करते हैं उस जूते को यूज करेंगे, और फिर नेक्स्ट शनिवार जब आएगा तो आपको नेक्स्ट शनिवार को क्या करना है, उस जूते को ले जा करके आपको कहीं दूर जहां पे कोई आता जाता ना हो उसके नीचे आप उसको गड़ा देंगे, और गड़ाने के बाद में भगवान से विनती करेंगे कि जो भी ये मेरे को परेशान कर रहा है ये मेरे को परेशान ना करे। आप देखेंगे वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देगा, मतलब कि जब भी वो आपके बारे में कुछ बुरा सोचेगा तो उसके साथ में वैसा खुद के साथ में होने लगेगा, आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा, और आपके प्रति उसके लिए पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। वो कभी भी आपको बुरा चाहेगा तो जो भी आपके लिए बुरा करेगा वो उसके साथ में बुरा होने लग जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो मैं सबसे खास उपाय आपको बता रहा हूं, इसको आपको क्या करना है, आप इसको प्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हैं, ब्लैक कलर का आपको यूज करना है, लेकिन यहां पर आपको नेगेटिव वर्ड यूज करना है। अगर आपकी कोई बीमारी है, ठीक है, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या आपके पास जॉब नहीं लग रही है, कोई भी आपकी परेशानी है, तो आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। आप अपने तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैं बीमार हूं, अगर बीमारी है तो मैं बीमार हूं, ठीक है। ये आपको अपने दोनों शूज में आपको लिख देना है, और साथ में रात में सोते समय अपने पैरों में भी लिखना है ब्लैक कलर के पेन से, ठीक है। अगर आपकी बीमारी की समस्या है तो आप लिखेंगे कि मैं बीमार हूं या मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों पैरों के नीचे लिखना है, क्योंकि नेगेटिव चीजें पैरों के नीचे से आती हैं, है ना। तो आप पैरों के नीचे लिखेंगे कि मैं बीमार हूं या मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। अब आपकी यदि कोई जॉब नहीं लग रही तो आप क्या लिखेंगे कि मेरी जॉब नहीं लगती है। आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे कि मेरे पास में पैसा नहीं आता है, मेरे पास में बिल्कुल पैसा नहीं आता है। कर्ज की समस्या है तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़, मेरा कर्ज नहीं उतर रहा है। नेगेटिव सी चीजें आप अपने दोनों पैरों में लिखेंगे और अपने दोनों जूतों में लिखेंगे, ठीक है। और इनको हमेशा लिखे रहने देंगे, रोज आपको पैरों के नीचे ये लिखना है, क्योंकि दोस्तों नेगेटिविटी जो होती है नीचे पैरों से आती है, और जब नेगेटिव चीजों को आप नेगेटिव चीजों में ही लिख देंगे तो वो चीजें धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगी। पूरी श्रद्धा से विश्वास से करके देखिए दोस्तों, आपकी कोई भी परेशानी है, अगर कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना भी लिख सकते हैं कि मेरी ये चीज पूरी नहीं हो रही है। नेगेटिव चीजें नेगेटिव चीजों को ही काटती हैं, तो आप इसको जब लिखेंगे तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आपकी जिंदगी में, अब बिजनेस नहीं है चल रहा है आपका, व्यापार नहीं चल रहा है तो मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, आप ये लिख देंगे वहां पर। हर चीज जो भी आप चाहते हैं, मतलब जो चीज आप चाहते हैं कि जिंदगी में पाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी भी चाहते हैं, तो उस चीज को आपको नेगेटिव चीजों में लिख देना है, और कम से कम आपको 41 डेज या फिर 51 डेज तक कंटिन्यू उसको लिखना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो चीज आप लिख रहे हैं उल्टे में वो चीज आपके साथ में पॉजिटिव होने लगी है। तो ये चीजें दोस्तों बहुत ही पावरफुली वर्क करती हैं, पूरे श्रद्धा विश्वास से करिए। बस याद रहे कि आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है और कंटिन्यू करना है, लगातार करना है। ये नहीं कि आपने आज लिखा कल भूल गए, या 3-4 दिन किया 5वें दिन भूल गए। जब कंटिन्यू लिखेंगे आप तो इसमें एक एनर्जी आएगी, ये कटना शुरू हो जाएंगे। हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन बस याद रहे कि पॉजिटिव कुछ भी नहीं लिखेंगे आप उसमें। जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव चीजों को नेगेटिव चीजें ही काटेंगी, तो आपको पॉजिटिव नहीं लिखना है, आपको नेगेटिव ही लिखना है। अगर कोई चीज चाहते हैं उसको भी आप नेगेटिव लिखेंगे। आप जॉब चाहते हैं तो मेरी जॉब नहीं लग रही है, आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरी जॉब लग जाए, आपको उल्टा ही लिखना है। जब आप नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव चीजों को काटना शुरू कर देंगी और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो पैरों के तलवों में भी लिखेंगे और साथ में शूज में भी लिखेंगे, और शूज में आपको ऐसे लिखना है जिन्हें आप यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने लिख के और शूज में जो आप यूज नहीं करते हैं वाला आपने शूज में लिख दिया, चप्पल में लिख दिया और उसको एक तरफ रख दिया, तो ये वर्क नहीं करेगी।
आपको उन चप्पल में या उन जूतों में लिखना है जिनको आप यूज करते हैं, डेली पहनते हैं, और हो सके तो शनिवार के दिन से लिखना शुरू करें और ब्लैक पेन से ही लिखना शुरू करें और नेगेटिव में ही लिखें। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। कर्ज की समस्या वाले लिख दें कि मेरा कर्ज नहीं उतर रहा है। बीमारी की समस्या वाले लिख दें कि मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। पैरों में भी रात में लिख करके सोएं और अपने जूतों में भी लिख दें। जितने ज्यादा नेगेटिव वर्ड आपके पैरों में रहेंगे उतने ज्यादा ये सब चीजें आपकी जिंदगी से दूर भागती जाएंगी। व्यापार नहीं चल रहा है तो मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये लिख दीजिए उल्टे में। बस उल्टे में लिखना है आपको पैर के नीचे। बहुत पावरफुली वर्क करता है दोस्तों ये, करके देखिए आप, कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा और जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। और एक बार में आपको एक परेशानी ही लिखनी है, ये नहीं कि आपने लाइन से पूरी परेशानी आपने लिख दी। पहले आपको एक कोई चीज लिखनी है, अगर कोई मनोकामना पूरी करनी है तो मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, एक में लिखेंगे। बीमारी के लिए लिख रहे हैं तो पहले मेरी बीमारी के लिए लिखेंगे कि मैं बीमार हूं, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब ये ठीक हो जाएगा आपको इसमें असर दिखने लगे, फिर दूसरी चीज के लिए लिख दीजिए। जो सबसे बड़ी परेशानी हो सबसे पहले उसको यूज करिए, और जब वो ठीक हो जाए फिर दूसरी के लिए कर दीजिए। ऐसे करके आप धीरे धीरे हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।